फिल्म पठान और जवान की जबरदस्त सक्सेस के बाद शाहरुख खान लगातार चर्चाओं में है। ये दोनों ही फिल्में लंबे समय से बीमार पड़े बॉक्स ऑफिस के लिए संजीवनी बनकर आई थी। अगर हम बात करें हाल ही में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म जवान की, तो इसने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके इतिहास रच दिया है। हालांकि इन सबके बीच एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शाहरुख खान को उनकी इन फिल्मों की सक्सेस के बाद जान से मारने की धमकी मिली है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर की तरफ से लिखित शिकायत दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। उसके बाद फौरन अलर्ट मोड में आई महाराष्ट्र सरकार ने शाहरुख खान को Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने एक IG रैंक के अधिकारी को शाहरुख की सिक्योरिटी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। खबरों के अनुसार किंग खान को दी जाने वाली Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी, इसके अंतर्गत 5 हथियारबंद जवान हर समय उनके घर पर तैनात रहेंगे। वहीं पर्सनल कवर के तौर पर शाहरुख के साथ हर समय 6 हथियारबंद कमांडो मौजूद रहेंगे। Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी का पूरा खर्च खुद किंग खान ही उठाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी थ्रेट के चलते सलमान खान को भी Y+ की कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई थी। बहरहाल अब बात करें फिल्म जवान के ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फिल्म ने 1,103 करोड़ की कमाई की है। वही फिल्म में शाहरुख खान के साथ ही नयनतारा और विजय सेतुपति मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।